गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, प्रणाम जो भी हमें देख रहे हैं, और जुड़ जाइए तो बहुत सारी बातें करते हैं। दीपक तिवारी जी, लव यू। तो कैसे हैं आप लोग? राजा बाबू जी हेलो, गोपाल पांडे जी हेलो, नीतीश कुमार जी गुड मॉर्निंग, सनी राज सक्सेना जी लव यू। जितने लोग देख रहे हैं सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राहुल कुमार पटेल जी गुड मॉर्निंग, आशु बाबा हेलो, पीयूष मिश्रा जी हेलो, सिंगर दीपू सिंह राठौर जी धन्यवाद, जय प्रकाश पांडे जी, विनोद बी यादव जी थैंक यू, कुंदन गुप्ता जी हेलो, मानस शोभे जी गुड मॉर्निंग, राहुल कुमार कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, राकेश यादव जी भैया नमस्कार, और आप प्रधान बन गए इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए सबसे पहले हम आप सबको एक, आज जो मेरा न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है मिजाज सन कावेलू सारे का हम भोजपुरी से, उस सॉन्ग को आप लोग को थोड़ा बहुत सुनाते हैं और इसके बाद उसके बारे में कुछ बातचीत करते हैं। तो आज हम आप सबके बीच में लाइव आई बनी कि आज हमारे को नया गाना सारे का हम भोजपुरी से रिलीज भइल बा, जो ना एल्बम के नाम है मिजाज सन कावेलू। तो अगर अभी तो सुबह सुबह बस 7 बजे गाना रिलीज भइल बा, तो बहुत लोग अभी सो के उठल हुई, तो आप लोग ये गाना के सर्च करके मिजाज सन कावेलू एकरा के सर्च करी लोग, और सारे का हम भोजपुरी पे जाए लोग और सुनी लोग और बताएं लोग कि आप लोग कैसा लगा। गुड सॉन्ग रमेश चौधरी जी थैंक यू, सानू सिंह राजपूत जी गुड मॉर्निंग, पिंटू दुबे कैमरामैन गर्दाबा, पवन कुमार गुड मॉर्निंग जी। तो जे सुन ले बा, अगर आप लोग के अच्छा लागल होके तो ये गाना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लो, और हमारा उम्मीद बा, हमारा पूरा विश्वास बा कि आप लोग की गाना बहुत अच्छा लगे। बबलू विश्वकर्मा जी बहुत अच्छा बानी और बानी काशी नगरी में, अभय प्रताप जी नमस्कार, रोहित कुमार दुबे लव यू भाई, बहुत अच्छा शूट हुआ है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इस सॉन्ग के बारे में बता दें कुछ। इस सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर है रोशन सिंह जी, जिन्होंने इस में संगीत दिया है और इस गीत को अपने सुनहरे कलम से लिखा है, अपने हाथों से लिखा है यादव राज जी, जवाब नहीं है उनका, बहुत प्यारा लिखते हैं। और मेरे साथ जो अपनी आवाज़ दी हैं जो फीमेल सिंगर हैं, खुशबू तिवारी केटी जी, इसके पहले हम लोगों ने एक गीत गाया था जी न देबू काय पतर को, जिस सॉन्ग को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस सॉन्ग में वही मेरे साथ गाई थी, और इसके बाद सारेगामा हम भोजपुरी से ही सेकंड सॉन्ग आया है जो कि मिजाज सन कावेलू खुशबू तिवारी केटी जी के साथ, और आप लोग बेहद पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ भी अभी तक आ गया है 2-3 घंटे में। सो और इस जो आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा शूट हुआ है, तो इस शूट का सारा क्रेडिट मैं सबसे पहले देना चाहूँगा बद्री नाथ झा जी, मतलब बद्री सर को, और वैसे वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं भैया बोलता हूँ लेकिन वो उस पद पे हैं कि हम लोग सर भी बोलते हैं। तो बद्री सर को मैं फुल क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो सोच है कि भोजपुरी में, मुन्ना सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, मनीष दिल जले धन्यवाद भाई, उनकी यही सोच है कि क्यों ना थोड़ा अच्छे लेवल पर शूट किया जाए। आज के समय में सारे लोग बहुत अच्छा शूटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग है, ड्रेसअप से लेके लोकेशन से लेके, जैसे हम लोग फिल्मों में शूट करते हैं जो कैमरे से, उस कैमरे से वो एल्बम की शूटिंग करते हैं, लाइट वाइट आप लोग देख भी रहे होंगे। तो
थैंक यू बद्रीनाथ झा सर, जो आपने इतना अच्छा शूट किया हमारे साथ और बहुत मज़ा आया। मतलब हम लोग तो एल्बम करते ही थे, हमारी जो टीम थी उन लोगों के साथ तो काफ़ी मज़ा आता ही था, लेकिन एक नए टीम के साथ जुड़ के और शूट पे मतलब बहुत इन्जॉय भी किए हम लोग। प्रभाकर मिश्रा हेलो, बहुत मस्ती मजाक के साथ ये शूटिंग कंप्लीट हुई। और जी इस वीडियो के डायरेक्टर है, एक नई लहर आई है और उसमें जो हम सभी लोग का साथ दे रहे हैं विभांशु भाई, विभांशु तिवारी जी, मतलब बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनकी सोच बहुत ही अच्छी है भोजपुरी को लेके। वो चाहते हैं कि भोजपुरी में भी एक जैसे अभी सॉन्ग शूट होते थे उससे कुछ हट के बनाएं, और वो बना भी रहे हैं और वो सक्सेस भी हो रहे हैं नो डाउट। उन्होंने मेरा सबसे पहला सॉन्ग शूट किया था जीना देबू काय पत्थर को 2.2, जिस सॉन्ग को आप लोगों ने बेहद प्यार दिया था उसी का हम लोग 2.2 भोजपुरी में पहली बार लेके आए, और उस सॉन्ग को भी आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, 6 मिलियन प्लस उसका व्यूज चला गया है। तो वो फर्स्ट सॉन्ग हम लोग ने शूट किया और उसको आप लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, और ये सेकेंड सॉन्ग है। और आप लोग का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, ऐसे ऐसे गीतों को मिलते रहे तो हम लोग कंटिन्यू आप लोग के बीच अच्छे अच्छे सॉन्ग लाते रहेंगे, और उम्मीद है कि इससे भी बढ़ बढ़ के हम लोग सॉन्ग लाएंगे। तो सारे का मां हम भोजपुरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया इस सॉन्ग के ऊपर। तो आप लोग ये सॉन्ग सुनिए और इस सॉन्ग को प्यार और आशीर्वाद दीजिए। ये नहीं सुना है सो आप लोग इस, मैंने लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, लिंक पे क्लिक करें और सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना प्यार दें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कैसा लगा। थैंक यू मुन्ना भैया, हिट्स पर हिट्स दिए जा रहे हैं जी, ये आप लोग का प्यार है। शिव शंकर जी थैंक यू, और अभी सारे गमा से ही मेरा एक न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ था, फोक सॉन्ग था और बहुत अच्छा सॉन्ग है जो अजय बच्चन जी ने लिखा है। तो आप सभी के बीच आज जो न्यू सॉन्ग आया है मिजाज सनकावेलू, उसे सुनिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक से बढ़ के एक प्लेटफॉर्म आया हुआ है अपने टैलेंट दिखाने के लिए, अपना हुनर दिखाने के लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील्स वीडियो है, जोश ऐप है, मौज है, जितने सारे ये वीडियो जहाँ पे लोग अपलोड करते हैं अपने एक्टिंग करके, वहाँ पे आप लोग अपलोड कीजिए और उसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी में हमें टैग करें, सारे का महान भोजपुरी और अरविंद अकेला कर लूँ, वहाँ पे सॉन्ग को टैग कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एक एक वीडियो को हम अपने स्टोरी पे और अपने पोस्ट पे शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इट्स सनी सोनी जी। तो मिजाज सनकावेली लू सुनिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग के प्यार के बिना हम लोग अधूरे हैं। राकेश वर्मा जी थैंक यू, और सारे लोग का मैसेज एक से बढ़ के एक आ रहा है।